हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रीजनिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ब्लड रिलेशन को। ब्लड रिलेशन चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले जो है वो डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के बीच जो रिलेशंस हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस रिलेशंस को समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना कुछ हद तक ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्लड रिलेशंस के रिलेशन डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के रिलेशन को समझते हैं। आइए कुछ रिलेशंस को मैंने लिखा है उसको मैं एक बार समझाती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप देखिए चिल्ड्रेन ऑफ सेम पेरेंट्स, जो सेम पेरेंट्स के चिल्ड्रेन होते हैं उसको हम लोग सिबलिंग्स कहते हैं। इस सिबलिंग्स में आपके ब्रदर और सिस्टर दोनों आते हैं। वंस हस्बैंड और वाइफ को हम लोग स्पाउस कहेंगे। हस्बैंड के वाइफ को भी स्पाउस कहा जाता है और वाइफ के हस्बैंड को भी स्पाउस ही कहा जाता है। रिलेटिव्स ऑन मदर साइड, जो मदर साइड के रिलेटिव्स होंगे उनको हम लोग मैटरनल कहेंगे और जो फादर साइड के रिलेटिव्स होंगे उनको हम लोग पैटर्नल कहेंगे। जनरली जो क्वेश्चन में होते हैं वो हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो पैटर्नल साइड के हैं। अगर कुछ दिया रहे अगर कि वो मदर्स सिस्टर और मदर्स फादर तो हम लोग यूज करेंगे मैटर्नल। उसके बाद देखिए फादर्स फादर, वो उनको हम लोग दादा कहते हैं, हिंदी में दादाजी कहते हैं, मगर इंग्लिश में या रीजनिंग में उनको ग्रैंडफादर कहा जाता है। फादर्स मदर ग्रैंड मदर हो गई। ये फादर्स मदर और ये फादर्स फादर ये दोनों पैटर्नल साइड के हो गए। ओके, देन मदर्स फादर है ये ग्रैंडफादर हो गए। मदर्स मदर ग्रैंड मदर हो गई, ये दोनों मदर साइड के इसलिए उनको मैटर्नल ग्रैंडफादर मैटर्नल ग्रैंड मदर बोला जाएगा। फादर्स ब्रदर हो गए, फादर्स ब्रदर अंकल कहते हैं, हिंदी में हम लोग इनको चाचा बोलते हैं मगर हम लोग रीजनिंग में उनको मैटरनल पैटर्नल अंकल बोलेंगे। फादर सिस्टर को हम लोग पैटर्नल आंट बोलेंगे। मदर्स ब्रदर मैटरनल अंकल हो जाएंगे और मदर सिस्टर मैटरनल आंट हो जाएंगी। अंकल और आंट के जो चाइल्ड होंगे वो हम लोगों के कजन हो जाएंगे। अगेन कजन में जो है वो हमारे ब्रदर और सिस्टर दोनों होंगे। फिर सिबलिंग सन है, ब्रदर या सिस्टर के सन जो है वो नेफ्यू हो जाएंगे और सिबलिंग्स डॉटर जो है वो नीस हो जाएंगे। सन और डॉटर्स चाइल्ड, बेटा या फिर बेटी के जो बच्चे होंगे वो अपने बाबा या दादाजी या फिर ग्रैंडफादर के लिए ग्रैंड चाइल्ड हो जाएंगे। इस ग्रैंड चाइल्ड में ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है और ग्रैंड सन भी हो सकते हैं। ये सारे जो यहाँ तक रिलेशंस हैं ये सब जब हम जन्म लेते हैं तब से ये सारे रिलेशंस हम लोगों के साथ कोरिलेट हो जाते हैं। जब हम बड़े होते हैं या फिर जब हमारी शादी होती है तो कुछ इन लॉज हमारे साथ जुड़ जाते हैं रिलेशंस में और उसके बाद जो रिलेशंस बनते हैं वो इन लॉज के साथ हमारे रिलेशंस बनते हैं। तो जो ब्रदर्स वाइफ हो जाएंगी वो हो जाएंगे सिस्टर इन लॉ और सिस्टर के हस्बैंड को हम लोग ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। सिमिलरली डॉटर्स हस्बैंड को सन इन लॉ बोलेंगे और सन्स वाइफ को डॉटर इन लॉ बोलेंगे। ये सारे रिलेशंस हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है ब्लड रिलेशन के चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। ये हमारा बेसिक पॉइंट्स हो गया। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट्स आता है ब्लड रिलेशन को बनाने के लिए, तो सबसे बेस्ट वे जो है ब्लड रिलेशन को बनाने के लिए वो है आपका फैमिली ट्री को कंस्ट्रक्ट करना। अगर आप फैमिली ट्री को कंस्ट्रक्ट करना जान जाएंगे तो आप काफ़ी इजीली ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फैमिली ट्री को समझना और फैमिली ट्री को बनाना। सपोज दैट इफ मैं हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फैमिली के ट्रीज जो हैं कैसे बनते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जेंडर के लिए शाइन को एज्यूम करना होगा। ठीक है, तो हम लोग मेल मेंबर, फैमिली के किसी भी मेल मेंबर के लिए हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे। ओके, अगर मैं कहती हूं कि ए इज अ मेल, ए मेल है तो हम लोग लिखेंगे ए एंड देन उसके ऊपर प्लस का साइन देंगे। वैसे ही फीमेल के लिए हम लोग माइनस का साइन देंगे। इफ आई से बी इज अ फीमेल, बी इज फीमेल तो हम लोग बी के ऊपर माइनस का साइन देंगे। ओके, इतना समझ गए हैं। अब अगर हम लोग लिखते हैं कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, देन ए जो है ये फीमेल है सिस्टर है तो हम लोग यहाँ माइनस देंगे। उसके बाद ये हम एक एरो देंगे सिस्टर के लिए या एक ही जनरेशन में जाने के लिए बी। ओके,
ये बी, ये जो बी है इसका हम लोग जेंडर एज्यूम नहीं कर सकते और यहाँ हम बता भी नहीं सकते कि इसका जेंडर क्या है, क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं है, सिर्फ ए के बारे में पता है कि ए जो है वो बी की सिस्टर है, तो ए के ऊपर हम लोग माइनस दे देंगे। अगर बी का जेंडर हम लोग यहाँ नहीं पता कर सकते हैं, बी कैन बी आइदर मेल और फीमेल। उसके बाद मान लीजिए मैं इसे मिटाती हूँ, अगर मैं लिखती हूँ ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी ब्रदर ऑफ बी, अगर मैं लिखती हूँ ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो फिर ए जो है वो प्लस का साइन होगा क्योंकि ए भाई है बी का, और बी लिखेंगे। अगेन यहाँ हम लोग बी का जेंडर नहीं बता सकते, बी कैन बी आदर मेल और फीमेल। अब मान लीजिए मैं लिखूं ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो ए वाइफ है तो फीमेल है तो माइनस का साइन देंगे। अब बी है, अगर ए वाइफ है तो ये ऑटोमेटिकली बी जो है वो ए के हस्बैंड हो जाएंगे, अगर हस्बैंड है तो फिर हम लोग प्लस का साइन देंगे। अब ये जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशंस है, ये कपल्स के रिलेशंस हुए तो उनके लिए हम लोग डबल हेडेड एरो का यूज करते हैं। ओके, ए और बी के बीच अगर डबल हेडेड एरो है, इट मीन्स कि ए और बी जो है वो कपल्स है। इसको समझ लिया, ये तीनों आप देखें, ये तीनों जो है वो सेम जनरेशन के हैं। ओके, ये तीनों सेम जनरेशन के हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट जनरेशन को जो है डिफरेंट जनरेशन का नोटेशन हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले जनरेशन को समझना होगा। सपोज कि सारे रिलेशंस जो है वो हमसे स्टार्ट होते हैं, तो सपोज कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, ओके, तो ये मेरा जनरेशन, यहाँ मैं हूँ, ये मेरा जनरेशन है, तो मेरे जनरेशन में कौन आएगा, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये मेरा जनरेशन है, तो मेरे जनरेशन में कौन है, मैं खुद हूँ, उसके बाद मेरे भाई, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सारे हम लोग साथ खड़े हैं। ओके, ये सारे हम लोग एक जनरेशन में हैं, ठीक है। हमारे ऊपर जो है ये वाला जो जनरेशन है, इस जनरेशन में हमारे मदर आ जाएंगे, हमारे फादर आ जाएंगे, अंकल आंट, ये सारे हमसे ऊपर का जो जनरेशन है उसमें माँ पापा चाचा चाची या फिर मदर फादर अंकल आंट, ये सारे इस जनरेशन पे आएंगे। इसके ऊपर जो जनरेशन होगा, ये जो फर्स्ट जनरेशन हम लोग जिसको बोलेंगे, इस जनरेशन पे जो है, इस जनरेशन पे वो हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर आ जाएंगे। ओके, ये तीन जो है ये इम्पोर्टेंट जनरेशन है। ओके, ये तीन इम्पोर्टेंट जनरेशन है। उसके बाद ये मेरा जो जनरेशन है, इसके नीचे अगर हम बड़े हैं तो इसके नीचे भी एक जनरेशन होगा जो कि हमारा हमारे बच्चे होंगे, मतलब सन होंगे, डॉटर होंगे, या नेफ्यू होंगे, या फिर नीश होंगे, हमारे नीचे का जनरेशन। तो जनरली जो है ब्लड रिलेशन में ये वो फोर जनरेशन होते हैं। सबसे पहले ग्रैंडफादर का जनरेशन, उसके बाद फादर मदर का जनरेशन, उसके बाद आपका खुद का जनरेशन या ब्रदर सिस्टर का जनरेशन, और उसके नीचे जो है वो सन डॉटर नेफ्यू या नीस का जनरेशन। ये चार जनरेशन है। अब उन जनरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ओके, उसका नोटेशन क्या होगा वो मैं बताती हूँ। डिफरेंट जनरेशन को बताने के लिए जो नोटेशन है वो काफी इजीली है, पहले भी आप दे चुके हैं। सेम जनरेशन को अगर बताना है, मान लीजिए ए इज ब्रदर ऑफ बी, आप पहले भी देख चुके हैं, अगर मैं लिखती हूँ ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए प्लस, ये हम एक एरो मार्क देंगे, उसके बाद बी, ये हमारा सेम जनरेशन हो गया। ओके, उसके ऊपर का जनरेशन, इफ आई से ए इज सन ऑफ बी, सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी, तो हम लोग यहाँ नीचे में ए को लिखेंगे। ओके, वो सन है तो बेटा है, इट मीन्स कि वो मेल है, तो उसके पास एक प्लस का साइन देगा। अब उसके ऊपर यानी कि बी जो है उनके पेरेंट्स हैं, बी मे बी अगेन फादर और मदर, इसका जेंडर हम लोगों को नहीं पता है, मगर ए जो है वो बेटा है, उनके बीच एक एरो मार्क होगा जो कि ये बताएगा कि ए और बी ये दो जनरेशन है और बी जो है ए के पेरेंट्स है। ए यहाँ दिख रहा है कि ए जो है वो बी का बेटा है। अब जो तीसरा जनरेशन है नीचे ऊपर का, ग्रैंडफादर का, इफ आई से ए इज
grandfather, grandfather of B. तो फिर हम लोग लिखेंगे A को यहाँ लिखेंगे, ठीक है. अब हम लोग को यहाँ पे A का जेंडर नहीं पता है, सॉरी यहाँ पे हम लोग B लिखेंगे, B लिखेंगे, यहाँ B का जेंडर हम लोगों को नहीं पता है. ग्रैंडफादर है तो B ऑटोमेटिकली किसी का चाइल्ड तो होगा ही. वहां पे ये एक मेंबर है जिसका ये चाइल्ड है, उसके ऊपर जो है A होंगे, ओके. और A जो है वो B के ग्रैंडफादर है, तो प्लस का साइन होगा. मतलब A का कोई चाइल्ड होगा, उस चाइल्ड का ये फिर B एक चाइल्ड है, यानी A जो है वो B के ग्रैंडफादर है. तो ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर के बीच दो जनरेशन का गैप है, तो हम लोग ये दो एरो मार्क देंगे. बीच में भी कोई एक मेंबर होना चाहिए, ओके. ये समझ के अब कपल्स के लिए अगर मैं लिखती हूँ कि A इज, ये आप पहले भी देख चुके हैं, वाइफ ऑफ B, तो हम लोग जो है A को माइनस रखेंगे और ये डबल हेडेड एरो का यूज करेंगे प्लस B. यहाँ पे A वाइफ है, A फीमेल है, B हस्बैंड है, B मेल है, और उनके बीच ये कपल्स हैं, तो डबल हेडेड एरो का यूज होगा. ये हो गए फैमिली ट्री को रिप्रेजेंट कैसे करना है. अब जो क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें वो ट्री का सारा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और आप लोगों को ट्री जो है वो बनाना होगा. अगर आप ट्री बना लेते हैं तो उसके बाद के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप लोग काफी इजिली सॉल्व कर सकते हैं. अभी जो हम लोगों ने फैमिली ट्री बनाना सीखा, उसको कंस्ट्रक्ट करना सीखा, उस पे बेस्ट एक क्वेश्चन है, चलिए हम लोग उसको ट्राई करते हैं, ठीक है. क्वेश्चन है A इज फादर ऑफ C, ओके. तो हम लोग फादर है तो ऊपर का जनरेशन हुआ, A इज फादर ऑफ C. तो यहाँ A हम लोगों ने लिखा, फादर है तो मेल है, तो A का साइन प्लस का साइन हम लोगों ने दिया. फादर ऑफ C है तो C को हम लोग नीचे लिखेंगे, C is not his son, but C is not his son. Means कि C जो है A का child है मगर बेटा नहीं है. अब अगर बेटा नहीं है तो वो बेटी होगी, means daughter होगी, तो हम लोग इस पे माइनस का साइन देंगे. It means कि C is daughter of A. E is the daughter of C. Again जो है E जो है वो C की बेटी है, okay? E is the daughter of C. तो ये हमारा E हो गया, और ई के ई जो है वो डॉटर है, तो हम लोग माइनस का साइन देंगे. एफ इज द स्पाउस ऑफ ए. स्पाउस का मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों होता है, तो ए चूंकि पहले से हस्बैंड है तो एफ जो है क्या होगी, उसकी वाइफ होगी. तो हम लोग यहाँ एफ लिखेंगे, वाइफ है तो माइनस का साइन देंगे. स्पाउस है इट मीन्स दे बोथ आर कपल, तो कपल है तो हम लोग डबल हेडेड एरो का यूज करेंगे. अब है बी इज ब्रदर ऑफ सी. सी का ब्रदर भी है, तो हम लोग यहाँ पे एक एरो का देंगे और इसको बी लिखेंगे. बी मेल हो जाएगा, ब्रदर है. अगर सी जो है वो बी का यहाँ ब्रदर है, तो बी जो है ए और एफ का चाइल्ड में बी भी आ जाएंगे, ठीक है. तो बी जो है वो बेटा हो जाएगा ए एंड एफ का. ये हम लोगों को यहाँ से ये हिडन इंफॉर्मेशन था जिसको हम लोगों ने निकाल लिया है, ओके. डी इज सन ऑफ बी. अब जो डी है वो बी का बेटा है, तो ये B है, इसका एक सन है, D है, ओके. हम लोग इसका साइन बता दिए, प्लस होगा. उसके बाद G इज द स्पाउस ऑफ B. G जो है वो B का स्पाउस है, तो B के स्पाउस के लिए हम लोग डबल हेडेड एरो का यूज करेंगे और यहाँ G लिखेंगे. अब ये हस्बैंड है तो ऑटोमेटिकली G जो है वो वाइफ हो जाएगी. और दिया हुआ है इंफॉर्मेशन H इज द फादर ऑफ G. तो ये G है और एच जो है वो जी के फादर है, ओके. तो हम लोग ऊपर की जनरेशन में फादर आएंगे, तो हम लोग यहाँ एच को नोट करेंगे और इन्फॉर्मेशन दिया है कि वो फादर है, तो एच जो है वो जी के फादर हो गए. ये हम लोगों ने फैमिली ट्री बना लिया है, इसमें सबका जेंडर हम लोगों को पता चल गया है. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है. इस फैमिली ट्री को बनाने के बाद जो क्वेश्चन है वो काफी ईजी हो जाते हैं. आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी. अब डी यहाँ है डी की ग्रैंड मदर, यानी कि मदर के ऊपर, मतलब थर्ड जनरेशन. तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ चले जाएंगे, ओके. डायरेक्टली यहाँ जाएंगे और यहाँ मदर में देखेंगे एफ पे माइनस का साइन है, इट मीन्स एफ जो है वो डी की ग्रैंड मदर हो जाएंगी. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी. समझ गए यहाँ ना,
बी के ऊपर उसके पेरेंट्स सी एंड बी और उनके पेरेंट्स ग्रैंड मदर कहलाएंगे तो ये एफ हो जाएंगे. हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी. ओके तो यहाँ पे देखिए ये हम लोगों का फैमिली ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया है. तो बी की ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर जैसे हम लोग इस जनरेशन पे है तो इसके ऊपर के ऊपर का जनरेशन. ओके तो ये हम लोग डायरेक्टली ऊपर चले जाएंगे, ये फर्स्ट जनरेशन में ग्रैंड मदर आएंगी तो ये एफ जो है वो ग्रैंड मदर हो जाएंगी डी की. आपको यहाँ से दिख रहा होगा डी के फादर हो गए बी एंड बी की मदर हो गई एफ, तो वो ग्रैंड मदर हो गई तो डी जो है डी की ग्रैंड मदर एफ हो जाएंगे. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर. ओके अब हम लोग चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन हमारा है हु इज द सन ऑफ एफ, एफ का बेटा कौन है. यहाँ पे एफ है और उसका बेटा, तो वो तो हम लोग देख ही रहे हैं एफ क्या बेटा बी है, यहाँ सी उसकी डॉटर है और बी उसका बेटा है. तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, बी इज द सन ऑफ एफ. ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है. आइए चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. दूसरा क्वेश्चन हमारा है ए इज द सन ऑफ बी. हम लोग सॉल्व करते जाएंगे इसको, तो राइट डाउन करेंगे ए इज द सन ऑफ बी. तो बी को यहाँ ऊपर लिखेंगे. ओके इसका हम लोगों को जेंडर नहीं पता है एंड ए इज द सन ऑफ बी, तो ए का जेंडर पता है तो ये मेल होगा. ए इज द सन ऑफ बी. सी बी सिस्टर, सी जो कि बी की सिस्टर है. ओके तो सी जो है वो बी की सिस्टर हो जाएगी, तो हम लोग माइनस का साइन लेंगे. हैज अ सन डी, इट मीन्स कि सी जो डी जो है वो सी का बेटा है. तो सी बी की सिस्टर है और सी का बेटा जो है वो डी है. ओके इट मीन्स ए और डी जो है वो कजन हो जाएंगे. एंड अ डॉटर ई, बोल रहे हैं कि सी और ई जो है, ई जो है वो सी की डॉटर है. तो हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ ई लिखेंगे, ई बेटी हो जाएगी और ये दोनों जो है वो सिबलिंग्स होंगे, इट मीन्स ये लोग ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे. उसके बाद एफ इज द मैटर्नल अंकल ऑफ डी. एफ जो है वो डी के मैटर्नल अंकल है, यानी कि मदर के भाई है. तो सी जो है वो डी की मदर हो गई, तो सी के भाई कौन हो जाएंगे, एफ हो जाएंगे. तो हम लोग यहाँ एफ लिखेंगे और चूंकि ये भाई है तो यहाँ हम लोग प्लस का साइन देंगे. अब देखिए यानी कि बी सी एफ ये तीनों एक जनरेशन में है और ये तो पता चल गया कि सी जो है वो एफ और बी की सिस्टर है. यहाँ हम लोगों को एफ का भी जेंडर पता है कि वो भाई है, मगर बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. ये सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकते हैं. अब ये हम लोगों का ट्री ड्रॉ हो गया, फैमिली ट्री. अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी. ए और डी के बीच में रिलेशन पूछा है. तो ए और डी ये देख लीजिए, ये दोनों, ये सी जो है वो बी की बहन है और बी का बेटा है ए, तो ये दोनों जो है वो कजन हो जाएंगे. ओके ये दोनों कजन हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो आंसर हो जाएगा. ए जो है वो कजन हो जाएगा डी का. ओके सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं. हमारा सेकेंड क्वेश्चन है हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ. ई और एफ के बीच में रिलेशन पूछा गया है. तो देखिए ई यहाँ है, एफ यहाँ पे है. तो ई जो है वो सी की डॉटर है और सी और एफ, सी जो है वो एफ का बहन सिस्टर है, इट मीन्स एफ जो है वो भाई है. तो ये ई और एफ के बीच जो रिलेशन है वो हो जाएगा, ई जो है वो एफ की नीस हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, क्योंकि एफ जो है वो ई के अंकल हो जाएंगे. तो हमारा ऑप्शन सी जो है नीश हमारा आंसर हो जाएगा. हमारा तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी नेफ्यूज डज एफ हैव. एफ का कितने नेफ्यू है, इट मीन्स एफ के जो भतीजा है वो कितने भतीजा एफ के पास है. तो देखिए एफ के नीचे ये तीन जो है उनके भतीजा भतीजी जो भी बोले नेफ्यू नीस तीनों है, बट यहाँ सिर्फ नेफ्यू के बारे में पूछा गया है. तो वन एंड टू ये दोनों जो है वो एफ के नेफ्यू हो जाएंगे, तो हमारा आंसर इसका भी सी हो जाएगा, एफ हैव टू नेफ्यूज. ओके